कल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से कुल 3000 के आसपास पुलिस कर्मचारी, जिसमें होमगार्ड के जवान भी सम्मिलित है, वो अलग अलग बूथों पर और अन्य ड्यूटीज़ पर तैनात रहेंगे। और साथ ही CAPF की हमें 8 कंपनियाँ जिले को मिली हुई है, वो भी क्रिटिकल बूथ्स पर तैनात रहेगी। 4 DSP रैंक के ऑफिसर और उनके साथ में सेकेंड इंचार्ज के तौर पर इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर तैनात किए गए हैं और उनके साथ में पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी रहेगी। साथ ही पूरे ज़िले में 56 पेट्रोलिंग पार्टीज़ बनाई गई है ताकि बूथ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने की सूचना मिलने पे या किसी भी प्रकार से भीड़ जमा होने की आशंका होने पे पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत मौके पे पहुंच सके। जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज है और DSP रैंक के ऑफिसर्स हैं, सभी को वायरलेस हेड भी मुहैया करवाए गए हैं ताकि कम्युनिकेशन है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। जिला लेवल पर भी हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से कंपनी गठित करी है ताकि किसी जगह भीड़ यदि ज़्यादा इकट्ठा होती है तो वो भी मौके पर पहुँच सके, उचित कार्रवाई कर सकती है। टोटल पूरे ज़िले में हर विधानसभा वाइज मिलाकर के 36 FS फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम और 24 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स वो ऑलरेडी अपना काम कर रही है ताकि यदि कहीं से भी कोई पैसा वितरित करने की या शराब बांटने की या किसी भी प्रकार की कोई धमकी देने की या लोगों के जमा होने की सूचना प्राप्त होती है तो मौके पर पहुँच करके उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जिला पुलिस के द्वारा आदर्श आचार संहिता जिस दिन से लागू हुई है उस दिन से लेकर के अब तक 2 करोड़ से ऊपर की अलग शराब, ड्रग्स इत्यादि सीज की गई है और काफ़ी आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी जो कवायद है वो इसलिए की गई है कि हमारे जो कल के चुनाव हैं वो बड़े शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। टोटल ज़िले में 616 लोकेशन पे 979 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उनमें से 77 लोकेशन हमने ऐसी आइडेंटिफाई की है जो क्रिटिकल है, जहाँ कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से हमने CAPF की फिर एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर करी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बूथ जो हमें लगता है जो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से या अभी रिसेंट में कुछ इश्यूज की वजह से सेंसिटिव हो सकते हैं, वहाँ पर भी हमने CAPF की अतिरिक्त तैनाती करी है। मेरा सभी यमुनानगर वासियों से आग्रह रहेगा और अपील मैं करना चाहूँगा कि मतदान के लिए ज़रूर अपने बूथ तक पहुँचे, मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने लोकतंत्र को और मजबूत करें। हम अभी बैठे हैं यहाँ पर, इसे डिस्पैच भी होना है और कल वापस जो पोलिंग होने के बाद में EVM जमा भी होनी है, तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने कुछ नाके लगाए हैं ताकि ये जो बसें यहाँ से जाएगी या बसें कल शाम को वापस आएगी उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमने कुछ जगह डाइवर्जन भी किए हैं, हो सकता है थोड़ा सा आमजन को परेशानी हो, लेकिन मेरा सभी यमुनानगर वासियों से जो आसपास की लोकेलिटीज़ में रहते हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इसमें सहयोग करें।